नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट पे सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरा एक स्टूडेंट जो है उनका सिलेक्शन INCL में हुआ है, जिनका नाम गणेश गुर्जर है, जो कि राजस्थान से रहने वाले हैं। तो वो काफ़ी समय से टेनिस बॉल से वो खेलते थे, टेनिस बॉल के जो टिप्स है वो आजमाते थे मेरे। तो मैंने उनको सजेशन किया था कि अगर आप चाहो तो अपने टेनिस क्रिकेट को लेदर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की, जो जो चीज़ें मैंने उनको बताई सारी चीज़ें उन्होंने फॉलो की। अपने घर में ऐसे नेट मंगाया, नेट प्रैक्टिस किया उन्होंने खूब, जिस जो 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 टिप्स हैं मैंने बताए थे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरी वीडियो जो देखते थे, एक एक टिप्स को फॉलो करते थे। और आज उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है INCL में, मुझे थैंक यू कहा टिप्स देने के लिए। और उन्होंने एक बात बताई कि मैं जो उनको बताता हूँ उनके समझ में बहुत अच्छे से आता है। ये बातें मेरे को बहुत सारे टेनिस प्लेयर ने भी बोला, इवन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई से बहुत सारे मेरे टेनिस के वीडियोस देखते हैं और वो हमेशा यही बोलते हैं कि मेरी जो टिप्स होती है यानी जो मैं समझाता हूँ उनको बहुत अच्छे से समझ में आती है। जो गलतियाँ मैं बताता हूँ वो गलतियों पर वो सुधार करते हैं और उनकी वजह से उनका गेम जो है इम्प्रूव होता है। तो यही चीज़ इन लड़के के साथ भी हुआ था। काफ़ी मुझे खुशी हो रही है कि उनका सिलेक्शन हुआ। आशा करता हूँ कि आगे चल के बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे। U23 में उनका सिलेक्शन हुआ, बहुत मेहनत की है। वो हमेशा मेरे को अपने वीडियोज़ भेजा करते थे और मैं उनको जो भी गलतियाँ होती थी कुछ बहुत उनको मिस्टेक जो बताया करता था और उन चीज़ों में बहुत इम्प्रूव करते थे। इतनी ज़्यादा शौक है उनको क्रिकेट खेलने की। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, शौक के साथ आपको जोश भी होना चाहिए, जोश के साथ होश भी होना चाहिए, उसके साथ प्रैक्टिस करने का जो तरीका है प्रॉपरली उस चीज़ को फॉलो कीजिए, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। मैं पिछले वीडियोज़ में एक बताया था कि कभी भी किसी लड़के का सिलेक्शन कहीं पे भी होता है तो ज़रूर मेरे को बताना। तो उन्होंने आज मेरे को बताया, उन्होंने ये भी बोला कि सर INCL में सिलेक्शन हो गया और उसके बाद जो है किट काफ़ी महंगा आ रहा है, मेरे पास अभी बैट नहीं है फिलहाल, क्योंकि ख़रीदने के लिए पैसे है लेकिन क्या है बैट का नॉकिंग इतने कम टाइम में नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या है कोई बैट है ऐसा तो मैं अपना जो पुराना वाला बैट है मैं उनको दे रहा हूँ। ये वाला मेरा CNT का बैट है, बहुत अच्छा स्ट्रोक है इसमें, तो मैं इसलिए पुराना दे रहा हूँ, नया भी दे सकता था लेकिन क्या है कि पुराना इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उनके पास नॉकिंग का टाइम नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिस करनी है तो इसका ऑलरेडी नॉकिंग हुआ है। तो इसलिए अपनी तरफ से एक स्टूडेंट को खुशी में मैं इसको दे रहा हूँ। आगे भी आप लोग कभी ऐसा कोई प्रोग्रेस करते हैं, कोई कहीं पर टिप्स फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर हमको बताएं, हम जितनी पॉसिबल हेल्प हो सकती है तो हम आपको हेल्प करेंगे। एकदम फ्री में तो मैं सबको दे नहीं पाऊँगा लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको जो जितने होलसेल रेट में आता है उसी रेट में मैं आपको दे दूँगा ताकि आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। और उसके अलावा हमेशा ये इनके फ्यूचर के लिए मैं हमेशा दुआ करूँगा भगवान से कि आप बहुत आगे प्रोग्रेस करो, अपनी पूरी मेहनत करो। दोस्तों हमेशा एक बात बोलता हूँ, लगन पूरी रखो किसी भी चीज़ में, आप कुछ भी करते हो। इन्होंने बहुत मेहनत करी, मैं देख रहा हूँ पिछले 7 महीने से कंटिन्यू मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि मैं आप दूसरे का वीडियो देखता नहीं हूँ। और सिलेक्शन में इन्होंने बहुत बढ़िया एक ओवर डिफेंस करके खेला, सारे ड्राइव्स मारे, 2 छक्के और 2-3 चौके मारे इन्होंने, तो इनका सिलेक्शन हो गया था और बहुत अच्छे इनको खुशी हुई, जबकि इन्होंने लेदर बॉल से बिल्कुल खेला हुआ नहीं था, पूरा टेनिस से खेले हुए थे, टेनिस से प्रैक्टिस किए हुए थे। उसके बावजूद भी ये जो है क्योंकि प्रॉपर टेक्निक से खेल रहे थे, टेक्निक से खेलते हैं तो हमेशा क्या है जो सेलेक्टर हैं आपकी टेक्निक देखते हैं, सबसे पहले आपका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ से जाते ही छक्का उड़ाना शुरू कर दो तो वो, और छक्का उड़ाना भी अगर आप प्रॉपर टेक्निक से उड़ाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, और नॉर्मली जैसे गांव घर में बेमतलब का उड़ाएंगे जैसे उसका कोई टेक्निक है ही नहीं तो उसमें क्या सेलेक्टर देखते हैं कि आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। तो काफ़ी खुशी हुई, आपके फ्यूचर के लिए फिर से मैं कामनाएं देता हूं। और जो भी फ्रेंड मेरे टिप्स को फॉलो करते हैं हमेशा उनसे ये बोलूँगा कि जो भी करते हैं आप दिल से करें, प्रॉपरली करें और पूरी वीडियोज़ को देखें, वीडियोज़ में क्या समझाया। हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जल्दी से जल्दी अपनी गलतियों को पकड़ो और गलती पकड़ने के बाद उसमें इम्प्रूव करो, तब जाके आपका गेम इम्प्रूव होगा। अगर आप वीडियो देख के सीधे गेम में जाके खेलने लगते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो आप सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा नहीं हो पाता वो, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, उसके बाद ग्राउंड में जाके उस चीज़ को अप्लाई कर सको। नेट में प्रैक्टिस करनी जरूरी है, नेट आपके पास नहीं भी है, आप अगर आप उतने पैसे नहीं है आपके पास तो आप कुछ भी कपड़े खरीद के, पर्दे हरदे कुछ घर में पुराने होंगे वो बना के आप सेटअप बना सकते हैं अपना, ताकि आप। तो मैं गणेश भाई को भी ये बोलना चाहता हूँ कि ये मत सोचना कि मेरे को पुराना बैट दे दिया, बस आपको नॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए। बाकी जो नया बैट मेरे पास कुछ दिनों में आने वाला है वो मैं आपको फिर से भेज दूँगा, और आशा करूँगा कि आगे को हमारा नाम रोशन करेंगे, अपने गाँव का, अपने एरिया का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।